टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं और मोरे बस अभी सो के उठा है और उसकी मम्मी जो है अभी बस पहुंची है और रात का थोड़ा सा पिज़्ज़ा बचा है, वो जो पिज़्ज़ा बचा है वो अभी उसको हम स्नैक्स के तौर पे खाएंगे, यानी टी विथ पिज़्ज़ा आप बोल सकते हो, हाई टी। तो बस अब देखते क्या होता है। फिलहाल अभी वो जिद कर रहे थे भाई साहब, आपको पता है कि दिन में मैंने उसको चॉकलेट खिलाई थी, वो डार्क चॉकलेट, ठीक है, इसको अगर पूरी डार्क चॉकलेट दिखा दो ना तो पूरी डार्क चॉकलेट के पीछे पड़ जाना है बंदा, मतलब पूरा डब्बा तो उसको दिखाओ मत। हमारे ना इसको नथीड़ापन बोलते हैं, यानी हिमाचल में, मतलब हमारी अपनी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से, पता नहीं मुझे नहीं पता कि अलग अलग कौन किसके क्या ऐसे बंदों को क्या, मतलब ऐसे बच्चों को, मतलब ऐसे बंदों को जो ज़्यादा खाने पीने के शौकीन हो, कई हो गए हमारे जैसे यहाँ है कि नथीड़ा बोलते हैं कि नथीड़ापन बहुत है, मतलब बंदा उसको मैं नथीड़े की ही बोलूँगा। हर बच्चे होते हैं ऐसे नहीं कि ये नहीं, हर बच्चे होते हैं, लेकिन एक बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि नथीड़ा बोलते हैं, मतलब जो ज़्यादा खाने का शौकीन होता है या फिर ज़्यादा वो बस वो खाने में ही पड़ा रहता है। अब जैसे अब इसकी मम्मी आई है ना, साइड डिमांड अपनी मम्मी से करेगा, आवाज़ आ रही है, देखो अभी भी आवाज़ आ रही है, अंदर है वो, कैसी वो आ रही है ना यहाँ से अजीब अजीब सी, लाल लाल बस। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ पिज्जा ले आओ। आप क्या खाओगे इसमें से? नहीं, आप जब जब भी आप उड़ते हो रोने का ही, जब टेंडर लिया हुआ है रोने का ही टेंडर लिया हुआ बेटा, लो फिर आ जाओ पिज्जा खा लो पापा। क्यों, आपने तो मांगा भी पिज्जा, पिज्जा चाहिए, देखो पिज्जा आया हुआ आपके लिए, देखो इधर पापा भी खाएंगे, आ जाओ आप भी आ जाओ, पर आ जाओ, आपने तो बोला पापा पिज्जा खाना है, आ जाओ फिर अपने वाला पिज्जा खाओ, रात वाला पिज्जा खाओ पहले, लो ये रात वाला पिज्जा खाओ, ये लो। अरे मेरी चाय बेटा ये, अच्छा मेरे को दे रहे हो आप, अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू पापा, थैंक यू ब्रो, मुझे थैंक यू यार। ब्रो आप दूध नहीं पियोगे? इसको दूध नहीं दे रही, दूध दे दे इसको, है दूध। शुरुआत करते हैं यहाँ से, हमने सारे जो है कमरे खाली कर दिए, यहाँ पर जो बेड था इस बेड से जो भी सामान था वो हमने एक जगह इकट्ठा किया और यहाँ भर के रख दिया, ठीक है। अलमारी जो है खाली होने वाली है, ये बस अलमारी बची थोड़ी बहुत, और मेरे ज़्यादा कपड़े नहीं है सर्दी के, इतने ही है क्योंकि सर्दी के सारे बंदे चल जाएंगे, अब विंटर के जो है सॉरी समर के जो कपड़े वो बाहर निकलेंगे। जितना सामान था वो सारा सामान हमने बाहर निकाल दिया। ये भाई साहब अलमारी जो है ये ऐसी की ऐसी रहेगी, ठीक है, ये दिखा दूँ आपको, ये ऐसी की ऐसी रहेगी क्योंकि ये फटी हुई है, एग्जाम्पल की थी हमने, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ ले जाने को है नहीं। बेड का सामान सारा हमने जो था वो सारा इसमें भर के रख दिया, ठीक है। ये भाई साहब अपने फंसे हुए, मतलब ऑलमोस्ट हमारी तैयारी हो चुकी है यहाँ से जाने की, बस इसमें थोड़े से शूज़ पड़े, इन शूज़ को खाली करूँगा, मेरा बैट हेलमेट ये सामान बचा है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा जो है सामान बचा होगा, जो भी कूड़ा काड़ा है वो मैं देखूँगा और अभी इसको एक जगह भर दूँगा। तो ये है और इसकी ये है, ये क्या दहेज में ले, दहेज भी दिया पुलिस वालों ने ये? नहीं क्यों बोलते तो है कि अलमारी अब नहीं मिलता, अच्छा पहले मिला करता था, मतलब ये रखना ही पड़ता है ये तो मैंने काफी लड़कियों के पास देखा, पुलिस वालियों के पास, सबके पास है, तेरे को नहीं मिला था जब ट्रेनिंग जाते तो खुद लेके जाना पड़ता है। अच्छा यानी तेरे को इसको दहेज में, मतलब तेरे को दहेज में इस बार कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तुम्हारे को दहेज में, बाकी लड़कियों को दहेज में अलमारी मिल चुकी है, मतलब ये पेटी मिल चुकी है काफी लड़की को, अब नहीं मिलती, लेकिन पुरानी पुरानी जितनी भी लेडीज है उनको तो मिला है, कईयों को तो दो दो इकट्ठे, ना कईयों को तो मिला है, बोलने का मतलब है भैया अखरोट देख, मतलब ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं कि भाई अखरोट निकाल, अखरोट 5 साल बाद अखरोट निकाल रही है, ठीक है ये देख। वैसे एक बात है, जितने पुराने अखरोट होंगे ना भाई उतना मजा है, अब खा के खुद ही देखियो, मैं नहीं देख रहा हूँ, इसको सामान को एक जगह भर दे, है ना, दिखाना तो कोई नहीं, एक रेट कूड़े सब्जी वालों को वापस देके आई हो, ये डब्बे डुब्बे कुछ नहीं रहे, वापस कर दियो जिसकी भी है, ये सारी जो परे जो डब्बे पड़े ना सारे ये नहीं आने चाहिए अब काम, अब डब्बे देखेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया लाने को, क्यों शक्ल क्या देख रही है, वहां जाके भी नहीं, वहां जाके भी यही हाल बनाना, जैसे हाथ बनाया था वही लाइन में जाके भी यही हाल बनाना, क्या रखना है इसको, अच्छा ले डाल डाल इसमें डाल दे। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, ये काम हमारा हुआ है, अब किचन का रह गया, ज़्यादा सामान ही रह गया, थोड़ा बहुत मोरे के जो है टॉयज रह गए हैं, मोरे के, मोरिया आपके टॉयज लेके जाने, क्या करना है, यही छोड़ने हैं, लेके जाने ही है, कहाँ लेके जाने हैं, ग्राउंड, अच्छा
तो बस थोड़ा सा ये बचा है हमारा और ये बचा है। हाँ जी हाँ काम कर लो, मैं थोड़ा सा काम करा लेता हूँ, अलमारी के ऊपर देख लेता हूँ कि क्या क्या बचा है भाई, इसको खाली कर देता हूँ, उसके बाद का जो व्लॉग बनेगा वो बनाना मैं शुरू करूंगा। फिलहाल इतना गंद पड़ा है, ये भी ऊपर इतना सारा पड़ा हुआ है यार ऊपर वाली पेटियाँ, ये भी तो पड़ी हुई है, अभी पैकेट तो है इसमें, आधा सामान तो ऐसा होगा जो कबाड़ा होगा। ओ यार अभी तो बैट बूट वगैरह ये सामान भी, इनके लिए भी बैग दे दूँ क्योंकि इसके ऊपर का जो सामान है ना पता नहीं क्या क्या पड़ा, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। अरे जो अलमारी के ऊपर है वो बोल रहा हूँ, जो अलमारी के ऊपर है, अलमारी की जो ऊपर है ये भी तो देखना पड़ेगा भाई। चलो फिलहाल मैं भी ये कर लेता हूँ, यहाँ से साफ सफाई कर लेता हूँ, जो अलमारी के ऊपर पड़ा है ये भी तो कर लूँ। तो एक कैरी बैग दे दे जिसमें मैं सामान डाल सकूँ ये ऊपर, हाँ कुछ कूड़ा कुछ सामान जो इसमें इसके ऊपर जो है। देख हम तो पूरे ऐसे लग रहे हैं जैसे पता नहीं जैसे ट्रांसफर टाइप नहीं होती कुछ, जैसे मैं आर्मी में हूँ मैं चला गया हूँ मेरी ट्रांसफर हो गई है। शुक्र है कि हमारा, देख हमारा मतलब का सामान है क्योंकि हमने ऐसा तो नहीं है कि बरोबराई करी हुई है, हमने सामान इसलिए लेके नहीं किया, काफ़ी टाइम से ये लेने को बोल रही थी कि हमने ये सामान लेना वो सामान लेना, लेकिन मैंने इसको मना किया था जब तक सरकारी क्वार्टर नहीं मिलेगा कुछ नहीं लेना, क्योंकि हिसाब किताब ऐसा रहता है कि क्वार्टर चेंज करते रहो सामान उठाते रहो, अब ऐसा है धीरे धीरे सामान जो है वो इकट्ठा करेंगे। हाँ ये अखरोट काम के है भी देख ले पहले, सब काम के ये है। अरे सड़े होंगे भाई ये अखरोट, नहीं सड़ते, किसने बोला अखरोट सड़ते हैं, और सड़े वाले तो तू ही खाइए उसको सारे फिर। चलो ठीक है मैं ये काम कर लेता हूँ, तो ये दिखा रही कि अखरोट सड़े हुए हैं नहीं है, जैसे पहली बात है अखरोट ही टूटेगा, खा के देख पहले, खा के जो पीला होगा ना, चल तू तो खा भी लेगी तो बताएगी नहीं ना खराब होगा अभी। टाइम हो चुका है 8:30 और डिनर की टाइमिंग शुरू होगी, अब डिनर करना है हम लोगों ने और डिनर करने के बाद फिर सो जाना है, सब करते हैं भैया। तो सामान देखो आप मेरे पीछे, इतना सामान जो है पड़ चुका है और अभी और भी सामान बाकी है, उम्मीद कर रहे हैं कि परसों तक शिफ्ट हो जाए अपने नए रूम में यानी पुलिस लाइन में। और स्पेशल कुछ नहीं है, बस आज का ये ब्लॉग यही हुआ, पूरे दिन का रूटीन आपको मैंने बता दिया कि कहाँ तक काम पहुँचा है, क्या किया क्या नहीं किया, और एक जो शीशा है इसको मैं थोड़ा हाफ करूँगा, तोड़ तोड़ के बुरा हाल हो गया, ये मैंने तोड़ा है, देखो ये मैंने तोड़ा है, थोड़ी सी जो कसर थी वो मौर्य ने पूरी करी, ऊपर वाला शीशा भी मौर्य ने तोड़ा है, ठीक है, मतलब ये हम दोनों बाप और बेटा ने तोड़ा, ये नहीं कि ये देखो ये जो शीशा आपको दिख रही ऊपर और नीचे, और ये जो है हमारे भाई साहब जो एक क्रिकेटर बने इधर, ठीक है मौर्य दी ग्रेट, मौर्य ने तोड़े सारे, ये शीशा किसने तोड़ा पहले बताओ, पापा। ये मेरा ही नाम लगाएगा कि मैंने तोड़ा है, वो पहले इधर आके बताओ शीशा किसने तोड़ा है, पापा। किसने तोड़ा शीशा, हाँ अब आया ना बंदा लाइन पे, देखो जी ये खेलेगा अभी मारेगा शॉट, बैट देखो बंदे ने कैसे पकड़ा, स्टांस देखो जरा इसका, बैट सीधा पकड़ो, नहीं नहीं स्टांस, हाँ देखो भी बंदे का स्टांस देखो, अब मैं इसको बॉल फेंकूंगा, ये देखो जी, तो इस तरीके से इसने ये शीशा तोड़ा है, और आज जो है बासी चावल में तुड़का लगाने का मजा ही कुछ और है, तो ये लगा रही है बासी चावल में तुड़का, और कमेंट करके बताना कि भैया बासी चावल में तुड़का खाने का मजा ही कुछ और है, लेकिन वो दो दिन से ज़्यादा हो जाना उसके बाद समझो कि बंदा गया, हाँ कल का और आज का है जो ये तुड़का लगा रही है। दूसरे आइटम क्या है, अब शीशे में मार रहा है यार, तुम इसको मना क्यों नहीं मार रहा है, साग ही साग का बनाया तूने, सुनो ये साग का बनाया तूने, अच्छा तो ये साग ये दिया था बंदे हम तीन है, तो प्याज का तुड़का लग रहा है, और यार ये चने दे दे मौर्य को, चने खिलाता हूँ जिसने जड़े ऐसी निकल जाती है ना, ये देता हूँ मैं उसको, और उसको आदत डाली हुई है भैया खा लिया करो, ये खा भी लेता है, तो बासी तुड़कों में चावल लगेगा, बासी तुड़कों में चावल है, बासी चावलों में तुड़का लगेगा। अरे मैं जान बुझ के बोल रहा था, ऐसा कुछ नहीं, मैं जान बुझ के बोल रहा था ताकि ये मेरी गलती पकड़े, क्योंकि इसको ये बड़ी खुश होती है जब मेरी गलत बातों में ये जब रिप्लाई करती है ना, तो बहुत बड़ी इंटेलिजेंट बनती है अपने को, है कुछ नहीं किया, तो बस यही है, कुछ स्पेशल नहीं है, चपाती इसने बना दी है, खाना खाएंगे उसके बाद सुबह भिंडी भी, भिंडी भिंडी तुड़का माना है, फिर कहा सब कुछ मिक्स ही करते, साग और भिंडी सब कुछ मिक्स करते, देगी मिक्स डाल दो कुछ मत डालियो, ठीक है। तो ठीक है भाई लोगों, थैंक यू सो मच, ये था पूरे दिन का ब्लॉग, और कल देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं फिलहाल, और मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, प्यार देते रहिए, और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं आप लोगों के, और कुछ लोग कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई भी करते हैं, थैंक यू सो मच, मतलब जो कोई मुझे कमेंट्स मारता ना
उसमें काफ़ी लोग कमेंट्स देख के उनको रिप्लाई कर देते हैं, वो भी मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको जल्दी नए घर में, अभी तो देखते क्या होता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आप चाह रहे हो कि भाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आगे शेयर करनी चाहिए, तो आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो और अच्छे अच्छे जो है बातें करते रहा करो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें गाइस।